दोस्तों, वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे लैश चाय विद हर्ष। तो नाउ दोस्तों, आज मुकाबला होने वाला है एयरबेस के एनिमल्स के साथ, क्योंकि आज हम पता लगाने वाले हैं हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिट या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल इन एयरबेस मोबाइल। तो भाई सबसे पहले यहाँ पर एक मैप चूज कर लेते हैं, उसके बाद गाइस आज पता लगाएंगे। भाई बहुत दिन हो गए गाइस, हमने सही से मुकाबला नहीं करा। भाई कौन है सबसे ज़्यादा ताकतवर यूनिट? और गाइस हम एक एक करके ना गाइस क्या कैसे पता लगाएंगे कि भाई, जैसे कि फैंटेसी ही हमारी यूनिट है, और फैंटेसी में जैसे कि आप लोगों को पता है सबसे एंड टू एंड में दो एनिमल है गाइस फैंटेसी के, जो कि हमारा है रेनडियर मैन। तो रेनडियर मैन और गाइस सेकंड है हमारा, सेकंड लास्ट जो कह सकते हो, जो कि पहले पहला था वो अब हो चुका है सेकंड, तो यानी कि ड्रैगन। तो भाई एक तरफ ड्रैगन होगा और एक तरफ होगा रेनडियर। तो भाई ऐसे हम पता लगाने वाले हैं कि भाई कौन है सबसे ज़्यादा ताकतवर यूनिट। तो भाई स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फैंटेसी में से कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है। भैया स्टार्ट करते हैं भाई, यहाँ पर ड्रैगन तो मुझे लग रहा है। गाइस जल्दी बता दो एक बार कौन जीतने वाला है, ठीक है ना? और मैं गाइस हम ना वोटिंग भी करेंगे, और गाइस उसमें आपको वोट करना है कि आपके हिसाब से हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिट इन एआरबीएस मोबाइल। तो आप भी जाके वोट जरूर कर देना, जाइए जल्दी से चैनल पे क्लिक करिए और वोटिंग में जाइए, यानी कि कम्युनिटी पोस्ट में जाइए और वहाँ पर जाके अपने वोट कर दीजिए। और रेनडियर मैन की काफ़ी पावर चलेगी है, लेकिन यहाँ पर ड्रैगन भी भाई गोलियाँ बारी हो रही है, भाई गोलीबारी तो हो रही है, बट यहाँ पर भाई ड्रैगन की वजह जो आग है ना भाई, ये तगड़ी है। देख लो भाई कैसे आ रहा है, भाई पकड़ लिया इसको। ओ भाई हमारे कैमरे पे भी भाई पंख लग गए इसके, लेकिन जाने वाला है रेनडियर मैन। और गाइस एंड टू एंड रेनडियर मैन गया, यानी कि गाइस फैंटेसी यूनिट का भाई जो है ड्रैगन ही सबसे ज़्यादा ताकतवर, यानी कि मोस्ट पावरफुल एनिमल फैंटेसी का ड्रैगन है। तो चलते गाइस नेक्स्ट बैटल की तरफ, जहां पर हम दूसरी यूनिट लेने वाले हैं। तो चले गाइस ना दोस्तों, भाई अब लेने वाले हैं हम इन्फर्नल्स की टीम में से एक तरफ गाइस डीमन, और डीमन और स्कॉर्च की लड़ाई होने वाली है, क्योंकि गाइस यही दो हैं जो अपनी अपनी यूनिट के बेस्ट, यानी कि लास्ट कह सकते हो, लास्ट एनिमल्स हैं। तो भाई इनका मुकाबला होने वाला है एक दूसरे के साथ, तो भाई देखने लायक होगा गाइस ये मुकाबला। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि गाइस एक तरफ स्कॉर्च है, एक तरफ डीमन है, दोनों ही बढ़िया प्लेयर हैं और आँख उठा देने वाले प्लेयर हैं गाइस ये। तो भाई डीमन के पास जो है सुपर पावर है, लेकिन सुपर हाथ जो है स्कॉर्च के पास है। तो भैया देखते हैं कौन जो है बाजी मारता है। भाई यहाँ पर स्कॉर्च ने अपने मूविंग अटैक चालू कर दिए बिल्कुल तगड़ी तरीके से। ओ हो भाई देख रहे हो गाइस, यार ही डीमन को उठा के फेंक रहा है यार। भाई डीमन अभी तक एक भी हमला नहीं कर पाया, एक भी हमला नहीं कर पाया डीमन। स्कॉर्च इसको मतलब बल्ले को मारने नहीं दे रहा भाई, स्कॉर्च में बोलता है हाथ बहुत ज़्यादा ताकतवर है, देख रहे हो। अरे तगड़ा भाई, क्या ही पंचेज हैं यार बंदे के। तो भाई सुपर पावर तो भाई अलग ही है, बंदा पार ही नहीं है, पास ही नहीं आ सकता। मतलब स्कॉर्च का ये फंडा है कि भाई बंदा पार ही नहीं आ सकता। अरे भाई क्या ही फेंका है, ओपी भाई ओपी स्कॉर्च यार, तू भाई मेरा फेवरेट है दोस्तों। भाई तुम भी कमेंट करके बताओ क्या तुम्हारा भी फेवरेट एनिमल स्कॉर्च है क्या? भाई मेरा तो स्कॉर्च फेवरेट एनिमल है। यहाँ पर भाई लगभग पावर जा चुकी है डीमन की, और आखिरी पंच होने वाला है डीमन के लिए मेरे लग रहा है, और स्कॉर्च की पावर वैसे कम कर दी है। और नाउ गाइस एंड हो चुका है। ओ तोड़ा भाई, क्या नेक्स्ट लेवल था यार लास्ट मूव, डीमन बहुत ज़्यादा ऊपर जाके गिरा भाई बहुत ज़्यादा। तो नाउ दोस्तों यहाँ पर फैंटेसी का जो इन्फर्नल्स का स्कॉर्च ही है मोस्ट पावरफुल एनिमल। तो भाई चलते हैं दूसरी यूनिट की तरफ, और भाई दीवार गिरा दिया यार बहुत तगड़ा। दोस्तों अब आ रही है भाई हमारे ह्यूमंस की, और इसमें जो है हम रॉकी रखने वाले हैं। भाई रॉकी तो भाई मेरे को लग रहा है रॉकी ही जीत सकता है, क्योंकि लेकिन भाई ये भी तो जीत सकता है भाई, इसके पास गन है। तो नाउ दोस्तों भाई एक तो रॉकी रख दिया, और एक हमने मिलिट्री मैन रख दिया गाइस, के पास वेपन है। तो भाई देखते हैं गाइस क्या ही होता है। और गाइस हम जो है अभी जो है चार ही मुकाबले या फिर चार से पांच मुकाबले करने वाले हैं, पांच या फिर चार, क्योंकि गाइस हम जो है वोटिंग भी करेंगे, और इसमें आप भी बताना गाइस कि कौन से एनिमल आपको ज़्यादा पावरफुल। और भाई ये क्या था भाई, तूने क्या ही किया था भाई, ये भाई रॉकी को भाई सिमटा दिया भाई, छाती पे गोली मार दी भाई रॉकी की, तगड़ा यार तगड़ा भाई, मजा आ गया भाई, इसने तो भाई फिल्म ही बना दी रॉकी की। तो नाउ दोस्तों भाई ये मुकाबला बहुत जल्दी खत्म हो गया। सो नाउ दोस्तों गाइस अब बारी है हमारे मैमल्स की, यानी कि अब बारी होगी हमारे, एक तरफ होंगे हाथी, भाई दोनों तरफ ही हाथी होंगे यार अब तो। ये सही फंडा है भाई,
भाई कौन सा भाई, नॉर्मल हाथी ही रखेंगे गाइस। एक तरफ है भाई एकदम एडवांस जो है वेपन्स के साथ, और एक तरफ है नॉर्मल हाथी। तो आप देखते हैं गाइस, मुझे लग रहा है भाई कुछ उलटफेर भी हो सकता है गाइस। मुझे थोड़ी ऐसी अंदर से गट्स आ रहे हैं कि भाई कुछ उलटफेर हो सकता है, हो सकता है भाई नॉर्मल हाथी ही भी जीत जाए। लेकिन खैर मुझे नहीं लग रहा, अब नहीं लग रहा गाइस, पहले लग रहा था जब तक मुकाबला स्टार्ट नहीं होता। लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा कि नॉर्मल हाथी जो हमारा एलिफेंट जीत पाएगा। गाइस ये भाई ऊपर से देख रहे हो भाई, हमला हो रहा है यार, ऊपर से बंदा कैसे ही जीत पाएगा भाई। और वो भी मशीन गन कर रही है, मतलब एकदम लेजर की फेंक रही है भाई तगड़ी। तो ना उस तो मुझे नहीं लग रहा गाइस ये जो मुकाबला है नॉर्मल हाथी जीते, बट कोई बात नहीं गाइस, कोई तो जीतेगा। और यहाँ पर गाइस मुकाबला ख़त्म होते हुए, और भाई मोस्ट पावरफुल एनिमल्स में से जो है हमारा लेज़र वाला एनिमल निकला। तो भाई हमने चार मुकाबले लगभग कर लिए हैं, आई थिंक चार मुकाबले गाइस हो चुके। और अब आ रही है डायनासोर्स यूनिट की, तो भाई अब मज़ा आने वाला है क्योंकि बहुत बड़े बड़े यूनिट है गाइस इसमें। तो नाउ बिराचोसोरस के सामने होगा गाइस एक और एनिमल जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है भाई, और इसके भाई पंजे बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो नाउ दोस्तों देखते हैं गाइस इसमें क्या होता है, बिराचोसोरस क्या इसको मार मार के कचुंबर बना देगा इसका। तो भाई स्टार्ट करते हैं, और वीडियो पे लाइक नहीं कराना तो जल्दी से लाइक वाला बटन दबा दो, क्योंकि आज जो है बेस्ट एनिमल हमें पता चल जाएगा इन पाँच मुकाबले में कौन बेस्ट है। वो भाई एक ही टांग में ख़त्म, बंदे को पिचका के रख देगा, तो उठने नहीं दे रहा भाई। गया 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 भाई, पैर लिटरली रखे रखा था, गया बिराचोसोरस ने पावर दिखा दिया भाई। बहुत दिनों के बाद बिराचोसोरस सामने आया मैदान में, और इसने भाई एकदम चित कर दिया अपने सामने वाले अपोनेंट को, और दिखा दे गाइस जो हार्मिनोसोरस डायनासोर यूनिट में जो है बिराचोसोरस क्यों सबसे आखिरी में या फिर एंड में है। तो नाउ दोस्तों बिराचोसोरस रहा विनर। तो नाउ दोस्तों आज हमें पता चलिए भाई फैंटेसी के जो है हमारे कौन कौन से एनिमल्स रहे थे गाइस, उन्हें हम रखने वाले हैं जो कि जो विनर रहे हैं। तो जल्दी से रखते हैं गाइस, एक तो सबसे पहले बिराचोसोरस को ही जो है यहाँ पर प्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस बिराचोसोरस रहा विनर। और हमारे ह्यूमंस में रहा गाइस हमारा लेजर वाला, और उसके बाद मैमल्स, सो ह्यूमंस में था जो है हमारा मिलिट्री मैन था, और गाइस इन्फर्नल्स में हमारा स्कॉर्ज था, और उसके बाद जो है हमारा फैंटेसी में हमारे ड्रैगन। तो नाउ दोस्तों ये हैं कुछ विनर्स जिनके आगे जो है बेस्ट एनिमल का टैग लग रखा है, जो कि अपनी यूनिट के बेस्ट एनिमल है और सबसे आखिरी में कह सकते हैं, तो इसलिए बेस्ट हो जाते हैं। तो नाउ दोस्तों अगले जो और भी एनिमल बचे हैं उनको भी हम लेने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ ऐसे ही वीडियो में बने रहना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मई वाला स्टार्ट हो चुका है गाइज। मैं बता रहा हूँ आपको, बार बार कहता हूँ गाइज, कभी भी अपडेट आ सकता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप लोग जो है अपडेट से मिस हो जाएं और आपको देर नहीं पता चले बाकी लोगों से। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा, रेड वाला बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो बनाई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।